नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं असेंबल डेस्कटॉप पीसी की, जो पबजी को अच्छे स्मूथली एफपीएस पर चला सकता है। और ये डेस्कटॉप सिस्टम अमेजोन पर अवेलेबल है 21,900 रुपीज़ में। मैक्सकोर पीसी इस सिस्टम को सेल करते हैं। इस डेस्कटॉप कंप्यूटर के स्पेसिफिकेशन से इंटेल कोर i5 सेकेंड जनरेशन प्रोसेसर, 8GB रैम, 120GB SSD, 1TB हार्ड डिस्क, गीगाबाइट के 2GB ग्राफिक्स, वाईफाई और विंडोज प्री इंस्टॉल मिल जाता है हमें इस सिस्टम में। शुरुआत करते हैं सिस्टम के प्रोसेसर से। इस डेस्कटॉप सिस्टम में इंटेल कोर i5 सेकेंड जनरेशन 2400 इंस्टॉल मिल जाता है, जो आता है 4 कोर्स और 4 थ्रेड के साथ, जिसकी बेस फ्रीक्वेंसी है 3.10 GHz, जो कि ओवरक्लॉकेबल है 3.40 GHz तक। 6MB की स्मार्ट कैशे है और TDP है 95 वॉट्स। इंटेल i5 2400 सपोर्ट करता है मैक्सिमम 32GB तक की मेमोरी को, मैक्सिमम 33 MHz तक। इस प्रोसेसर में इंटेल HD 2000 इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स इंस्टॉल मिल जाता है, जो बेसिक रेगुलर टास्क में हेल्प करता है, और साथ ही सपोर्ट करता है इंटेल इंटू 3D क्लियर वीडियो HD टेक्नोलॉजी जैसी टेक्नोलॉजीज़ को। प्रोसेसर सपोर्ट करता है ड्यूअल डिस्प्ले कॉपी, और साथ ही आपको कुछ की फीचर्स अपने स्क्रीन पर देखने को मिल जाते हैं। इस डेस्कटॉप सिस्टम का इंटेल i5 2400 सपोर्ट करता है LGA1155 सॉकेट के मदरबोर्ड को, जो कि एक बजट सेगमेंट में अवेलेबल है। हमारे इस डेस्कटॉप सिस्टम में भी इंस्टॉल्ड है H61 चिपसेट का एक बेसिक बजट मदरबोर्ड। मदरबोर्ड की ब्रांड कंफर्म नहीं है, स्टॉक के अकॉर्डिंग ब्रांड में वेरिएंस हो सकता है, लेकिन जेब्रोनिक्स, MSI या अजोस की ब्रांड के होने के चांसेस ज़्यादा है। ये मदरबोर्ड सपोर्ट करता है इंटेल i3, i5, i7 के सेकेंड जनरेशन के प्रोसेसर को, मैक्सिमम 16GB तक की मेमोरी, मैक्सिमम 1333 MHz की फ्रीक्वेंसी तक सपोर्ट करता है ये मदरबोर्ड। ऑन बोर्ड में HD ऑडियो कैपेसिटर, PCIe 3.0, 2.0 SAR, SATA पोर्ट्स वगैरह मिल जाते हैं। बैक पैनल की बात करें तो 1 PS2 कीबोर्ड एंड माउस पोर्ट, 1 सीरियल पोर्ट, 1 DSUB पोर्ट, 4 USB 2.0, 1 LAN पोर्ट, 3 ऑडियो जैक्स वगैरह मिल जाते हैं। रैम में 2x4GB DDR3 रैम स्टिक, अडाटा या फिर किंगस्टन ब्रांड की 2133 MHz की फ्रीक्वेंसी वाली इंस्टॉल मिल जाती है इस डेस्कटॉप सिस्टम पर। 120GB की SSD और 1TB 7200 RPM की स्टैंडर्ड सी हार्ड डिस्क इंस्टॉल मिल जाती है इस सिस्टम पर। विंडोज SSD पर इंस्टॉल मिल जाता है, जो कि आपका बूट टाइम फास्ट करता है। गेमिंग की बात करें तो इंटेल i5 2400 8GB रैम और GT710 कैसा परफॉर्म करता है गेमिंग में, आइए देखते हैं। शुरुआत करते हैं GTA 5। 1600x900 रेजोल्यूशन पर नॉर्मल सेटिंग पर एवरेज 30 FPS मिल जाती है। फोर्टनाइट बैटल रॉयल 1600x900 रेजोल्यूशन पर लो सेटिंग पर एवरेज 40 FPS पर चल जाती है। एपेक्स लेजेंड 1280x720 रेजोल्यूशन पर वेरी लो सेटिंग पर 25 FPS मिल जाती है। ओवरवॉच 1600x900 रेजोल्यूशन पर नॉर्मल सेटिंग पर एवरेज 60 FPS मिल जाती है। पबजी मोबाइल एम्यूलेटर 1920x1080 रेजोल्यूशन एक्सट्रीम सेटिंग्स पर एवरेज 60 FPS मिल जाती है। CSGO 1920x1080 रेजोल्यूशन पर लो सेटिंग्स पर एवरेज 60 FPS पर चल जाती है। पबजी PC लाइट 1920x1080 रेजोल्यूशन पर लो सेटिंग्स पर एवरेज 40 FPS पर चल जाती है। बात करें कैबिनेट की तो इस डेस्कटॉप सिस्टम में जेब्रोनिक्स का रेड स्पिन कैबिनेट मिल जाता है, जिसकी कीमत जेब्रोनिक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर ₹3600 मेंशन की गई है। ये एक RGB कैबिनेट है, जिसमें कैबिनेट के फ्रंट पैनल पर 2 120mm के रेड कलर के फैन इंस्टॉल मिल जाते हैं। कैबिनेट के फ्रंट और साइड दोनों ही ट्रांसपेरेंट टेम्पर ग्लास से इंस्टॉल्ड है। फ्रंट पैनल में USB 3.0, USB 2.0, ऑडियो जैक्स, पावर और रिस्टार्ट बटन के साथ मिल जाते हैं। इस कैबिनेट में 2 हार्ड डिस्क बे और 2 SSD बे भी मिल जाती है। टॉप पैनल में मैग्नेटिक डस्ट फिल्टर भी मिल जाता है। ओवरऑल इस प्राइस रेंज में ये एक अच्छा कैबिनेट है इस सिस्टम के लिए।
ओवरऑल ये एक वैल्यू फॉर मनी डेस्कटॉप सिस्टम है। 1 ईयर की वारंटी सभी पार्ट्स पर और 3 ईयर हार्डवेयर सपोर्ट मिल जाता है, ऐसा अमेजोन प्रोडक्ट पेज पर क्लैरिफाई किया गया है। इस डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ आपको सारी नेसेसरी सॉफ्टवेयर और ड्राइवर इंस्टॉल मिल जाते हैं। सिस्टम एकदम रेडी टू यूज प्लग एंड प्ले है। विंडोज 10 ट्रायल वर्जन भी कम्प्लीटली इंस्टॉल मिल जाता है। SSD की वजह से सिस्टम बूट टाइम काफ़ी फास्ट है। ओवरऑल इस प्राइस रेंज में एक अच्छा ऑफिस एंड गेमिंग सिस्टम है। अगर आप एक अच्छा 60 FPS वाला गेमिंग एक्सपीरियंस चाहते हैं तो आप इस सिस्टम में ज़रूर से ग्राफिक कार्ड अपग्रेड कर सकते हैं। करंट कॉन्फ़िगरेशंस के साथ ये एक अच्छा ठीक ठाक गेमिंग सिस्टम है, लेकिन ज़रूर से न्यू गेम्स को चलाने की ताकत नहीं रखता है। 2019 की गेम्स 18 की गेम्स इसमें नहीं चलेगी क्योंकि GT 710 इतना ताकतवर कार्ड नहीं है। फिर भी इस प्राइस रेंज में ये एक अच्छा कार्ड है, अच्छा सिस्टम है। 22,000 रुपीज़ की प्राइस रेंज में नो डाउट ये एक वैल्यू फॉर मनी है। प्री असेंबल रेडी टू यूज सिस्टम है, सेलर भी ट्रस्टेड है। अगर आपको ये सिस्टम पसंद आता है तो आप ज़रूर से पूरी इन्फॉर्मेशन वारंटी वगैरह वेरीफाई करके परचेस कर सकते हैं। इस सिस्टम के रिलेटेड यूजफुल इन्फॉर्मेशन और लिंक आपको इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू गाइस सून इन द नेक्स्ट वीडियो।